Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार चुके हैं और उनको जिन्होंने हराया है आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता, सरकार में मंत्री रहे सरयू राय। इन मौके पर पार्टी ने उनको टिकट देना ना देना कुछ भी तय नहीं किया और आखिर में उन्होंने बगावती तेवर अपनाया और इसके बाद चुनाव लड़े। कई तरह के कयास लगाए गए और अंत में सरयू राय जीत कर आज सबके सामने हैं। आगे उनकी राजनीति किस तरीके से होगी, उनके इस राजनीति का झारखंड की राजनीति पर किस तरह का असर होगा, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको इस जीत का कितना भरोसा खुद में, बिल्कुल ईमानदार जवाब? मैं तो शुरू में ही मैंने कहा था कि जीत का भरोसा लेकर आदमी चलेगा तो लड़ाई लड़ेगा ही। कोई युद्ध हम जीतेंगे ही और इसके लिए हम कैलकुलेटर लेकर चलेंगे तो आप संघर्ष नहीं कर सकते। मुझे जो परिस्थितियाँ पैदा हुई उसमें लगा कि मुझे कदम उठाना चाहिए। इसका नतीजा जो भी हो, परिणाम जो भी हो, मैंने सोचा था हारूंगा जीतूंगा मगर लड़ूंगा जरूर। आपके सामने जो परिस्थितियाँ आई उसके लिए क्या आप आते हैं कि केवल रघुवर दास जिम्मेवार हैं या फिर पूरी बीजेपी जिम्मेवार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही मानते हैं लोग, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विचार परिवार है, उनसे भी उनको खबरें मिलती हैं। जब आपने सर तय कर लिया है कि अब आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार मीन्स की हेमंत की सरकार में आप बतौर मंत्री शामिल नहीं होंगे, इस दौरान आपने रघुवर दास के खिलाफ जिन घोटालों को उठाया है, आप ये उम्मीद करते हैं कि उस पर अगली सरकार कार्रवाई करेगी? तो ये सरकार में शामिल होने नहीं होने की बात तब आती है ना जब उसे कहे कि आप शामिल हो जाए साहब। मैं अपने ही कहता फिर हूँ कि मैं शामिल नहीं होगा, मैं शामिल नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं निर्दलीय जीता हूँ, स्वतंत्र प्रत्याशी के नाते जीतने के बाद मेरी भूमिका वही रहेगी। केंद्र सरकार जो राज्य की है ये जनहित में राज्य हित में निर्णय लेगी, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूँगा। ये निर्णय जनहित में राजनीत में नहीं होगा, उनको आगाह करूँगा, बात करूँगा, बनवाने का प्रयास करूँगा। नैतिक तौर पे मेरा पूरा समर्थन इस सरकार को है, ये सरकार गलती ना करे, ये ईश्वर इतना कृपा करें इस पर गलतियाँ ना करें। एक अच्छा अवसर मिला है इस राज्य को संवारने का, इसलिए मैं तो भरोसे के साथ उनका नैतिक समर्थन करता हूँ। आगे सरकार आएगी, सरकार के किसी क्रियाकलाप का समर्थन में गुण और दोष के आधार पर करूँगा। एक आखिरी सवाल कि घर वापसी की कितनी अपनी संभावना है आपके? एक किसी ने कहा है कि वो जहाँ भी रहे रोशनी लुकाता है, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कोई अपना मकान रहे तब तो घर वापस आएंगे नहीं जाएंगे। आदमी जहाँ काम करता है, भारतीय जनता पार्टी में मैंने हमेशा ही कार्यकर्ता भाव से काम किया। 1962 से बचपन से आरएसएस की शाखा का, मेरे गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक होते हुए मैं यहाँ आया था। हमेशा ही कार्यकर्ता भाव से ही मैं काम करते रहा, मैंने कुछ मांगा नहीं पार्टी से। आरएसएस ने कहा 77 में कि आप जाइए राजनीति में, जाइए युवा मोर्चा का संगठन मंत्री अच्छा लगे, तब से वहाँ कई बार डिफ्रेंसेज हुए। मैं 13-14 साल अलग भी रहा और राजनीति से मोदी से, तो मैंने कभी मांगा नहीं, बिना मांगे जो मिला मुझे बिना मांगे मिला, इसलिए मैं तो उत्कृष्ट रहता हूँ। और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी है नहीं, मैं जीत करूँ कि भाई मुझे ये चाहिए, कभी नहीं किया। टिकट के लिए भी जीत नहीं कभी किया। अब ये तो मेरा आखिरी पारी थी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति में, इस बार चुनाव लड़ने के बाद चुनाव करता है। इस बार ही ऐसा भी धंधा खड़ा हो गया जिससे मुझे एक अलग मुहिम चलानी पड़ी। हम लोग मुहिम चलाने वाले लोग हैं, मैं सरकार में था तभी जो विवाद होते थे तो मैं कहता था कि देखिए मेरा एक पैर सरकार में है, एक पैर जन सरोकार के साथ है। दोनों पैर बाहर जन सरोकार के साथ रह सकते हैं, वो दोनों पैर अंदर सरकार में नहीं रह सकते हैं, ये मान के चलिए। तो लोग कहते थे कि आप तो एक्टिविस्ट मनोवृत्ति के हैं, तो अगर एक्टिविज्म में भी तो मुद्दे ही उठाए जाते हैं ना, मुद्दों का विचार करिए। सरकार चलाने के लिए अगर हम समझौते लगातार करते रहें, जरूर इतना लचीलापन तो रखना ही चाहिए व्यक्ति को कि हम चीज़ों को समझें, मगर जब पानी नाक के ऊपर चला जाए, देख कर मक्खी निगलने की नौबत आ जाए, तो उस समय भी कोई ये करते रहे तो ये इसे कायरता कहा जाता है। और गांधी जी की एक उक्ति मुझे बहुत अच्छा लगती है, आज़ादी की लड़ाई में कहा था, हट
टाइम कम्स व्हेन डिसओबीडियंस बिकम्स ड्यूटी, तो समय आता है तो अवज्ञा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अवज्ञा करना हमारा ही कर्तव्य हो गया। उनकी बात को सर पे नहीं मान सका जो मुझे अपमानित करते रहे। मैंने कहा था कि आप पहले कहा था कह दीजिए आप मुझे टिकट नहीं दीजिएगा, खुद कहूँगा मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, एक ऑनरेबल एग्जिट हो जाएंगे। उन्होंने मैंने काम करना शुरू किया क्षेत्र में। झारखंड में बीजेपी लंबे समय तक राजनीति में रही, सरकार में भी रही है, बावजूद ऐसे ऐसा क्या हुआ कि पिछले 5 साल में पूरी पार्टी एक आदमी के गिरफ्त में चली गई? ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन कहा जाता है। वो यही है, किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व घोषणा करती है, वो पार्टी एक आदमी के गिरफ्त में ही चली जाएगी कि सरकार भी उनके साथ और पार्टी भी उनके पॉकेट में? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ कैसे। इसके लिए कोई दोषी है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दोषी है, क्योंकि उनके भी पदाधिकारी आते थे, अपनी रिपोर्ट देते थे। भारत सरकार के पास तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर खुफिया एजेंसियाँ हैं, उनकी भी रिपोर्ट जाती थी। विचार परिवार के संगठन हैं, उन्हें भी रिपोर्ट देते थे। इसके बाद भी सबको दरकिनार करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने रघुवर दास जी ने जो कहा उसी पर मतलब सीधा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इसके लिए झारखंड में जो बीजेपी की स्थिति है इसके लिए जिम्मेवार है। जेपी नड्डा तो आज भी आए हैं, अभी तो नेतृत्व में है भी नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। कहा जा सकता है कि सेंट्रल में क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी उन पर बहुत नहीं जाएगी, सरकार चला रही है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारी वो आते थे। मैंने खुद कई बार जाकर लोगों को बताया ऐसी स्थिति है। दिल्ली में किसके पास गए थे सर बात करने? हमारे प्रभारी हैं माथुर जी, उन्होंने भी रघुवर दास टाइप आश्वासन दिया या मतलब बात को लटका के रखा? आश्वासन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा क्या चुनाव कैसे नहीं लगेगा, आप जाइए काम करिए। वो यादव साहब प्रभारी बने, दोनों से साथ मैंने बात की और दोनों को मैंने कहा भी कार्यकर्ता के नाते आप कहिए मैं आपके कार्यालय में झाड़ू पोछा कर दूँगा, आपकी पैर भी दबा दूंगा, अपमानित करने की नीयत से कोई व्यवहार आप मेरे साथ करिएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं इतना बड़ा संत नहीं हो गया हूँ कि मान अपमान से ऊपर दोनों के सामने मैंने कहा था। अब पहला लिस्ट में होल्ड, सेकेंड में होल्ड, थर्ड में, फोर्थ में भी होल्ड रहा तो मेरे पत्रकार मित्रों को बुलाया और मैंने कहा कि और जिस व्यक्ति ने परिस्थिति पैदा किया है अब मैं उसके खिलाफ भी उसी के हिसाब से चुनाव लूँ। मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी ने आपके पॉलिटिकल मतलब पारी को, राजनीतिक पारी को बढ़ा दिया। मैं थोड़ा बुढ़ापे में आराम करूँगा तो उम्र बढ़ते जाती है तो थोड़ा आराम से रहेंगे, फिर 5 साल तक अंदर चलेगा इसी तरह। धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय, जिनका मानना है कि उनके पॉलिटिकल करियर अब उनका ये आखिरी पारी होता, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस राजनीतिक पारी को थोड़ा और ज़्यादा अब बढ़ा दिया है। देखना होगा इनका पारी अब, उनकी पारी अब किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसा होता है।